मुकम्मल तौर पर बंद करना हमारी रोजी पे लात मारने के पड़ा। लेकिन बीमारी तो है, लेकिन उसका हल ये नहीं कि आप शहर बंद करें। क्या दो साल से पहले मौत नहीं आएगी? आने वाली होगी तो वो आ जाए। कोरोना इस तरह रुकेगा 6 बजे बंद होगा तो सही है। ये देखो मौत आनी होगी ना, तो इंजेक्शन लगा या नहीं लगा, मौत तो आनी है। जी हम भी आए, हम यही चाहते हैं आवाम को, तभी आप मना नहीं कर सकते ना। किस किस को आप मना करोगे कि यार नहीं जाओ, कोरोना है, मना इस, आप किसी को भी मना नहीं कर सकते। कोरोना जैसी बीमारी है या नहीं? नहीं। अच्छा मुझे बताओ कोरोना है या नहीं है? आपको नजर आ रहा है, देखिए आवाम में। इन बाबा तो वैसे है ना, वो तो खानदानी है, पीछे से आ रही है। गंदगी तो हुकूमत हमारी उठाती नहीं है, बोलते कोरोना आ रहा है। ये क्या सिर्फ कारोबार पे कोरोना आता है? ये गंदगी खत्म होगी तो जरासीम खत्म होंगे। आवाम की लापरवाही से एक बार फिर कोरोना जीत गया और हुकूमत हार गई। सुना है बिल गेट्स वैक्सीनेशन की जगह चिप्स लगवा रहा है, इस बात में कितना सच है? चल के लोगों से बात करते हैं। ये बताएं, ये जो लॉकडाउन फिर से लगा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन क्या कह सकते हैं, अब लगाया है, वफाक ने तो मना किया, तब सिंध गवर्नमेंट ने लगा दिया, क्या कह सकते हैं। आपको यकीन है कि कोरोना है या नहीं? देखिए बीमारी तो है, बीमारी तो है, लेकिन उसका हल ये नहीं कि आप शहर बंद करें। अब ये देखें ना, आपके सामने ये रोज़ के जो कमाने वाले हैं क्या करेंगे? या तो इनका कोई इंतज़ाम करें, या तो इनको दें कोई एहसास प्रोग्राम, जैसे वहाँ दिया ये सिंध वाले भी दें तो फिर तो चलो भी समझ में आता है, भले 15 दिन बंद कर दें। हम ये दुकानदार तो चलें फिर भी बर्दाश्त कर जाएंगे 10 दिन, लेकिन ये क्या करेंगे। अच्छा ये बताएं कि जो ये वैक्सीनेशंस लग रही हैं और जो लोग नहीं लगवा रहे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं लगवानी चाहिए वैक्सीन, तो लगवानी चाहिए, मैंने तो लगवा ली है। कोरोना नहीं है, बीमारी है, ऐसे बंदा बीमार हो जाता है उसको बोलते कोरोना में चला गया, तो कोरोना में ऐसा थोड़ा जाएगा। कोरोना के नाम पे क्या आवाम को पागल बनाया जा रहा है? बस हुकूमत अपनी मर्जी कर रहे है, ये दुकानें बंद पड़ा हुआ है, लाखों रुपये ये लोग कमा रहे, तो इसका नुकसान नहीं हो रहा है? हुकूमत को इसका टैक्स देना पड़ता है, तो हुकूमत उसका टैक्स के ऊपर खुश है, बाहर मुल्क से इन लोगों को पैसा मिल रहा है। तो ये बताएं कि आप समझते हैं कि कोरोना नहीं है, सिर्फ खाली अभी इन्होंने तमाशा बना के रख दिया? सहस है, कोरोना किधर है? तुम्हारों को कोरोना लगा, दूसरे को कोरोना लगा, हमारों को लगा, कोई बीमार हो जाते ऐसा मामूली कांसी कोई चीज़ हो जाते उसकी वजह से यूँ कोरोना में डाल लेते, क्यों कोरोना में डाल ले? ये बताएं जो वैक्सीनेशन लग रही है इसके पीछे क्या राज है, आपको क्या लगता है? हमारा इसके ऊपर यकीन ही नहीं है, यकीन इस वजह पर नहीं है, कोई बोल रहे ये वैक्सीन लगा रहे बाहर मुल्क से पैसा ले रहे इसके ऊपर, कोई बोल रहे नहीं ये ऐसा लगा रहे लोगों को डराने के लिए कि इसका मोबाइल होगा सिम बंद हो जाएगा उसकी वजह से। ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे लोगों की सैलरीज रोक दी गई है कि पहले वैक्सीनेशन कार्ड लेकर आओ फिर सैलरी मिलेगी। तो अभी तो बहुत कुछ रुकेगा, अभी लोगों का सिम जो चल रहा है वो भी बंद कराएगा, जिसने वैक्सीन नहीं लगाया वो भी बंद कराएगा। तो क्या आप इन सब बातों से आपको क्या लगता है? आप हमारा को कुछ भी इसके ऊपर हम यकीन भी नहीं करते। तो जो ये कर रहे हैं हुकूमत जो ये कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आवाम उसको क्या बोलेगा, आवाम निकलते नहीं तो आवाम क्या करेगा उसके साथ, हम क्या करेगा? हम तो मजदूर बंद है, मजदूर अगर हम दिन में दिहाड़ी लगाते तो मजदूरी घर पे लेके जाएगा, दिहाड़ी नहीं लगाएगा बंद होगा तो फिर हम क्या करेगा? लॉकडाउन की वजह से आपकी अपनी जिंदगी पे क्या नुकसान पहुँचे? जिंदगी में यही नुकसान है, जो लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, ऊपर से लॉकडाउन बना रहे तो आवाम किधर जाएगा? गाड़ी बंद करे किसके साथ गाड़ी अपना होगा तो अपना गाड़ी में आएगा। पाकिस्तानी वो आवाम जो इस बात पे यकीन नहीं रख रही है और ना कोई एसओपीस फॉलो कर रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तानी आवाम आपको पता है ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, एजुकेटेड लोग कम है पाकिस्तान में, अबाउट 20-30% जो है वो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो देखें, टीवी को देखें, मीडिया को देखें, अखबारों को पढ़ें, इससे उनको जनरल नॉलेज मिलेगी, उनको मालूमात मिलेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है।
करंट क्या हो रहा है, उससे ये है कि अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं, अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। और यही एक फार्मूला है, ये रूल है कि इंसान को अब कहते हैं ना कि अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो उससे तूफान नहीं टलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, कोरोना है या नहीं? नहीं, कोरोना है। आप यकीन रखते हैं इस बात? बिल्कुल यकीन रखते हैं, क्योंकि हमारे कई दोस्तों को, कई रिश्तेदारों को ये बीमारी ने आकर घेरा है, कोरोना है। आपने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं? मैंने एक वैक्सीन लगवा ली है, एक मेरी अगस्त में लगेगी, 6 हफ्ते के बाद तकरीबन। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके इसके कि वैक्सीन तमाम पाकिस्तानियों को लगवानी चाहिए, इसमें फ़ायदा है, ये नुकसान दे नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि 2 साल के बाद मर जाएंगे, वो 2 साल क्या क्या मौत आनी होगी तभी मरेगा, नहीं मरेगा मौत, क्या 2 साल से पहले मौत नहीं आएगी? आने वाली होगी तो वो आ जाएगी। वैक्सीनेशन लग रही है, आपने लगवाई है? मैंने लगवाई है, दोनों लगवा ली, एक लगवाई। बताएं, लॉकडाउन से आपकी अपनी रोजगार पे क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क तो बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। लेकिन आज का कारोबार और कल का कारोबार में बहुत फर्क है। इसके अंदर आप हुकूमत को ब्लेम देते हैं या फिर कोरोना को देंगे? सिस्टम पर वक्त मुकम्मल सिस्टम को नहीं बनाया जैसे चलने चाहिए था। इन लोगों ने सिस्टम बनाया बाद में, लेकिन वो सिस्टम अभी काम नहीं कर रहे। लेकिन बात तो ये ना कि अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये वबा फैलती चली जाएगी, तो इसको रोकना भी तो है। लॉकडाउन करना अच्छी बात है, लेकिन वक्त पहले उसका ज़रूरत भी पूरा करना चाहिए का ना। आप तेरा ज़रूरत ही नहीं पूरा होगा तो लॉकडाउन का क्या फ़ायदा। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं कोरोना की वजह से या लॉकडाउन हो रहा है, तो उनको कोई रकम फराम की जाए? रकम फराम का ये राशन फराम कर दिए, सारे गुब्बारों पर बैठा हुआ है तो क्या फ़ायदा। अभी तो चलो दुकानदारों के पास लाखों रुपए होते हैं, मैंने गुजार लेते, हम जैसे रोज़ कमाने वाले कहाँ से पूरा करें। 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ बच्चों के स्कूल के फीस हम लोग दे रहे हैं, स्टैंड के फीस दे रहे हैं, घर का किराया दे रहे, सिर्फ किसी एक क्रेडिट सी दे रहे हैं। अगर ये भी नहीं, सुबह से हमने 500 का माल लगाया है, 800 रुपये धंधा किया, उसका क्या फ़ायदा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो है कोरोना तो है, लेकिन बात है ये कारोबार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालात तो बहुत ख़राब है। और ये जो लोगों से सारा मार्केट हो तो बंद है, गरीबों का भी हालात बहुत ख़राब है। जब दुकानों वाला को किराया भी, किराया उसके पास भी नहीं है, किराया भी 70-80 हज़ार लाख रुपये किराया, उसका किराया नहीं है। ये सब मार्केट जो देखो ये सब बंद है, लेकिन कोरोना तो है, ऐसा बात नहीं है जब कोरोना नहीं है। बताएं, वैक्सीनेशन जो लग रही है आपने लगवाई अभी तक? हाँ, सब ने लगाया, जब मतलब ये जो लोगों ने लगाया ज़्यादा तो लगाया, कम तो इंशाल्लाह तो सब लगेगा इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि आपके अपने कारोबार पे क्या असर पड़ा है इस लॉकडाउन से? ये लॉकडाउन से ये बड़ा हुआ, जब किराया नहीं है, किराया जेब से देगा, और कारोबार दुकानों सब मार्केटों सब बंद है, लेकिन कारोबार बिल्कुल नहीं है, सब मार्केटों में बंद है। आधा दिन या 6 घंटे में दुकान 11-12 बजे में दुकान खोल दिया, 6 बजे में दुकान बंद जाएगा, जो 3-4 बजे 5 बजे में लोग आएगा, बस उस टाइम जो कस्टमर नहीं आएगा, सब दुकानों सब मार्केटों में बंद है, बस माशी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तब बुरा हाल है, ज़्यादा हालात ख़राब है। हमारा दुकान जो है किराए से तकरीबन जो है 12 महीनों तक हम किराया जेब से देगा, जेब से भरा करेगा, किधर से लावे, मुल्क तो हालात हो। ये बताएं कि फिर कोरोना को रोकेंगे कैसे अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो? तो कोरोना इस तरह रुकेगा, 6 बजे बंद होगा तो सही है, तो कारोबार भी आदमी करेगा ना। मतलब ये है कि कोरोना की टाइमिंग चल रही है? हाँ, ऐसा मानना है आपका? ये बात, 6 बजे के बाद वापस आ जाता है जी, और 6 बजे के बाद तो वैसे भी रोड ऐसे ही जाम होता है, कोरोना तो उधर भी होता है, मगर क्या करें, अभी मुल्क को परेशानी आ गई है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं? भाजी, हम ये बता रहे हैं कि जुम्मे और इतवार को जो बंद कर रहे हैं तो इसमें क्या कोरोना ख़त्म हो जाता है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो है कि टाइमिंग होनी चाहिए सुबह 8 बजे से 7:30-6 बजे तक तो कारोबार चलेगा तो हम खाएँगे, वरना हम कहाँ जाएँगे। तो सर मैडम, ये कोई कॉपरेट थोड़ी कर रहा है, मैंने भी देखो मास्क नहीं पहना, हम कारोबारी आदमी है, मजदूर आदमी है, क्या करेंगे।
लेकिन एहतियात भी तो बहुत जरूरी है ना। नहाते हैं, जाएंगे, नहाएंगे, गर्म पानी पियेंगे, बर्फ बंद कर दिया है, इलाज कर रहे हैं, शहद पी रहे हैं, ये कर रहे हैं सर। वैक्सीनेशन लगवाई है? बिल्कुल लगवा ली। दोनों डोज लगवा? दोनों डोज रमजान में ही लगवा दिया। सारी पूरी फैमिली की? पूरी फैमिली मुकम्मल तौर पर बंद कहना हमारी रोजी पे लात मारने के बराबर। लेकिन बात ये कि दुकान वाले जो फिर भी सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जो मजदूर है जिसकी जो दिहाड़ी पे इस काम करता है, तो काम नहीं मिलेगा। ये मजदूर है मेरे पास काम करता है, ये कहाँ जाएगा? हुकूमत का ये अचानक लॉकडाउन लगाने का जो ऐलान हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लॉकडाउन लगाना और गरीब की रोजी पे लात मारने जैसा है। आप टाइमिंग दे दें, जैसे 6 से 6 बजे अभी चल रही है ना शाम को, ये टाइमिंग बेस्ट थी। मुकम्मल लॉकडाउन तो फिर जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा? हम जैसे अपने कारोबार में चल जाएंगे तो फिर भूख से ही मर जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको भी इस चीज़ का इल्म है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन पक्का लगे, 6 बजे की टाइमिंग बेस्ट है। तो यही कहेंगे हुकूमत से कि खुदारा 6 बजे। लेकिन ये जो आए दिन केसेस जो बढ़ रहे हैं, फिर हम उसको किस तरह कंट्रोल करें? कोई है आपके पास राय? गंदगी तो हुकूमत हमारी उठाती नहीं है, बोलते कोरोना आ रहा है, ये क्या सिर्फ कारोबार पे कोरोना आता है? आप चली जाए जिस गली शहर में चली जाए, आप गंदगी देखें उधर, उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? उससे कोरोना नहीं आ रहा है? इसका ये नहीं तो खुलता है तो कोरोना आता है, कारोबार बंद होगा तो क्या कोरोना नहीं आएगा? तो आप पहले हुकूमत को चाहिए पहले ये गंदगी साफ करवाए हमारी। लेकिन कोरोना एक ऐसी वबा है कि आप कहीं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो वो फौरन फैल रही है, और वो इतनी खतरनाक इतनी नहीं देखें खतरनाक इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये जानलेवा बीमारी बन गई है। कचरा जानलेवा नहीं है। नहीं साफ करेंगे ये कोरोना नहीं खत्म होगा। ये बताएं कोरोना है या फिर लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं? बाजी हमारे को तो पता नहीं है कोरोना है या नहीं, बाकी थोड़ी बीमारी तो है कि ना बच्चे थोड़े बहुत बीमार होते हैं या नजला जुकाम तो है, बाकी कोरोना है या नहीं हो हमारे को नहीं पता। आपने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं? नहीं 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 लगवाई। आप समझती हैं कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए इस वबा को कंट्रोल में लेने के लिए? बाजी देखो मौत आनी होगी ना, तो इंजेक्शन लगा या नहीं लगा मौत तो आनी है। अगर अल्लाह को इन्हें जिंदा रखना होगा ना तो इंजेक्शन बिगड़ भी रखेंगे। लेकिन एहतियात भी तो ज़रूरी है। एहतियात क्या फ़ायदा करना, इतने 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के इंजेक्शन में लगाओ। अगर एक बात है आज इंजेक्शन लगा कल मर गया, फिर आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन लगवाने से इंसान मर रहा है? अल्लाह को पता, हमने तो नहीं लगाया। आपको क्या लगता? बीच में तो ऐलान करते थे मस्जिदों में हर जगह पे कि इंजेक्शन नहीं लगवाओ, इसमें मरते हैं, और काफ़ी लोग बोलते हैं इससे फ़ायदा है, इंजेक्शन से इससे फ़ायदा है, इससे ना कोई लगवाने का एहतियात ही कर रहे हैं। आप हुकूमत अपने लिए एहतियात ही कर रही है और कोई नहीं समझता है, बस मसला है। ये बताएं जो लॉकडाउन लगा है इस पर आपकी अपनी रोज़गार को कितना वो होता है नुकसान? नुकसान होता है, हम तो देखो हुकूमत को यही बोलते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगा है। देखो अमीर होते हैं ना भाई, जिन लोगों को कुछ भी नहीं हो, और हम जो गरीब हैं ना हमारे लिए को बहुत नुकसान है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग देखो बच्चों का कार, हम सुबह में जल्दी उठते हैं, काम काज करते हैं, हमको आते आते 12-1 बज जाता है। अभी 12-1 बजे हम काम पे आए, 6 बजे लॉकडाउन लग जाता है, हम हमारे बच्चों की रोज़ी क्या कमाए? 8-10 बजे तक बैठते हैं ना तो हमारे कुछ ना कुछ अल्लाह हमको दे देता है। अभी 6 तो यूँ बच जाते हैं, आँख झपकी नहीं और 6 बज गए, और 6 बजे बंद हो जाए, हम अपने बच्चों की रोज़ी बिल्कुल नहीं कमा सकते। तो हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि लॉकडाउन नहीं लगाए, हमारे सामने, हम गरीबों के सामने, बेरोजगार के सामने देखिएगा, हम लोग बहुत मोहताज हो जाते हैं ये लॉकडाउन की वजह से। आपका कहने का मकसद ये है कि लोग अगर कोरोना से नहीं तो इस गुर्बत से मर जाएंगे ना भाजी, आप खुद ही सोचो। अगर देखो 6 बजे अभी एक कर्फ्यू लगाने का बोल रहे, बिल्कुल बंदे बाहर नहीं निकले, जिसके पास है जो थोड़ा बहुत घर के अंदर हो खाएंगे, और जिसके पास नहीं है तो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों का पेट कहाँ से भरेंगे? जो हम देख हम है ना भाजी, हम रोज़ आते हैं एक दिन छुट्टी नहीं करते, जब बच्चे बीमार होते हैं तब हम छुट्टी करते, अभी मजबूरी से करते, हम शौक से नहीं करते, हमारा त्यौहार हो। बताओ कि जब लॉकडाउन लगता है तो तब कितने पैसे कमा लेते? बाहर निकलते नहीं तो कमाते कैसे? 6 बजे तक तो खोला हुआ है ना, 6 बजे तक मिल जाता है 1000-1500 इतना बिकता है। अगर देखो 6 बजे तक लोग अभी तो ऑफिसों में होते हैं पूरा दिन, एक जाहिर सी बात है ऑफिसों में कारोबार में, रात के टाइम भी सारे लोग घर पे निकलते हैं, तो हम लोग रात का खुला होता तो चलो कोई 500 को 600 का लेके चले जाते, अभी 6 बजे बंद हो जाता है, सारे लोग हड़ावड़ी होती है कि घर पे चले जाए, तो आप खुद ही सोचो कि हम रोड पे बैठे हमारे क्या कारोबार होता होगा।
लेकिन लॉकडाउन लगाया इसी वजह से चाह रहे हैं ना कि लोग अपने घर में जब मखसूस हो जाएंगे, मतलब चंद लोगों में आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो कोरोना से ऑटोमेटिकली बचेंगे, क्योंकि जब आप पब्लिक पर जाते हैं तो इस बीमारी ज़्यादा फैलती है। घर पर जॉइंट फैमिली रहती है, हर कोई अलग तो रहता नहीं है, हर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है अक्सर। तो जॉइंट फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली के अंदर घर पे भला कैद रहे, अगर एक भी बंदा बाहर जा रहा है कुछ चावल लेने के लिए, राशन की दुकान तो खुली है ना, कोई चावल लेने को, घी लेने को, अगर किसी को अल्लाह नहीं करे कोरोना लग गया, वो घर पे आ गए तो घर पे सारे लोग कोरोना वाले हो जाएंगे। मुझे तो यहाँ के लग रहा है कि शायद कोरोना है ही नहीं। बिल्कुल आपने सही सुना है, कोरोना की वायरस भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। आप इधर जो भी आ रहे हैं दिल मर्जी से घूम रहे हैं। वैसे कोरोना है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है कोरोना की, ऐसी बहाना क्या हुई है? ये झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग। ये झूठा, ये बिल्कुल सही नहीं है। हर कोई अपना कारोबार कर रहे हैं खोल के, इधर सही है माहौल, सही है अपना इधर से। ये जो हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है तो सही नहीं लगाया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई बंदों को परेशानी हो रही है, किसे कोई कैसे है, कोई कैसे, हर कोई अपना कारोबार कर रहे हैं, वो तो अपने सुकून से बैठे हैं। गरीब लोग क्या करेंगे, किधर से खाएंगे, किधर से करेंगे। सुना है बिल गेट्स जो है वो वैक्सीनेशन की जगह चिप्स लगवा रहे हैं, कंट्रोल में करना चाहता है पाकिस्तानी आवाम को, क्या बात सच है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये कंट्रोल नहीं करना चाहता। क्या पाकिस्तान की आवाम ऐसी है कि वो किसी कंट्रोल में आ सके? नहीं, नहीं होगा। कोरोना है और यहाँ तो आके लग रहा है कि कोई कोरोना नहीं है, सब पिकनिक पे आए हुए हैं और आप भी आए हुए हैं। जी हम भी आए हुए, हम यही चाहते हैं आवाम को, तभी आप मना नहीं कर सकते ना, किस किस को आप मना करोगे कि यार नहीं जाओ कोरोना है, मना इस, आप किसी को भी मना नहीं कर सकते। नहीं, आप आवाम को छोड़े, अपना बताएं आप क्यों निकले हुए? हम तो एंजॉय करने निकले हुए, हम तो मैं हूँ जी। कोरोना जैसी बीमारी है या नहीं? नहीं, आप नहीं मानते नहीं है इसलिए आप घूमने निकले। देखो हमारे खानदान में, एक बड़ी खानदान है माशाल्लाह, हमारे खानदान में किसी को भी नहीं हुआ तो हम किस तरह माने यार। अगर हमारे खानदान में वो होता कोरोना, कोई किसी को भी होता ना एक शख्स को, तो मैं मान जाता यार कोरोना कोरोना। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जो शख्स वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा उसकी सिम बंद कर देंगे, फिर क्या करोगे तुम? बस जब सिम बंद करेगा फिर तो मजबूरी है, लगाना होगा जी, फिर तो मजबूरी है। सिम बंद होगी तो लगवाओगे, वरना वैसे नहीं लगवाओ। वैसे नहीं लगवाएगी, सिम की वजह से लगवाएगी ना, जब सिम बंद होगा तो फिर हमारा कारोबार नहीं होगा, मोबाइल में हम लोग बातें नहीं कर पाएंगे। तुम सिंगल हो? हाँ सिंगल है, कोई लिफ्ट नहीं देती। अच्छा मुझे बताओ कोरोना है या नहीं है? आपको नजर आ रहा है, देखिए आवाम में। लेकिन बाबा तो वैसे है ना? वो तो खानदानी है, पीछे से आ रही है। कहाँ से आ रही है मुझे भी बताओ? नॉर्थ नाजमाबाद से। क्यों तुम नॉर्थ नाजमाबाद से आए हो? जी जी। तो वहाँ ज्यादा कोरोना फैला हुआ? बहुत ज्यादा, दो फादर को हुए थे। अच्छा ये बताओ कि अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाओगे तो सिम बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे? सिम नहीं, मोबाइल नहीं है। इतना गरीब हो तुम? आप दो ना। मैं क्यों दूं? अच्छा तुम्हारी क्यों? भाई आपके पास मोबाइल नहीं है, आपका कंसर्न है ना, मेरा थोड़ी। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, आईपैड दिखाएं आपको। आईपैड है, इनके पास मोबाइल नहीं है, इतने गरीब चल रहे हैं। खैर ये बताएं अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे तो मोबाइल की सिम तो बंद हो जाएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तो मेरा तो 16 साल उम्र है। 16 साल के हो? बस हमारी आवाम जो है ना वो झूठी भी बहुत है। खैर ये बताएं मुझे यहाँ के कोरोना का तो कोई नामो निशानी लग रहा है, तो पिकनिकें बन रही हैं? हम एहतियात नहीं कर रही, कोरोना तो है जी। वैक्सीनेशन लगवाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए जी। डोज लगवा ली? एक डोज लगवाई, वन डोज। बताएं जो वैक्सीनेशन लग रही है और कह रहे हैं अगर नहीं लगवाएंगे तो सिमें बंद हो जाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए सबको और एहतियात करना चाहिए क्योंकि कोरोना है, ये मानो बात। ये बताएं आंटी कोरोना है या फिर लोग अफवाहें उड़ा रहे? कोरोना है भी और नहीं भी है, दो चीज़ दोनों सूरतें हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये सब बस ऐसे ही है, कमाने का धंधा। अगर सज़ा मिली है तो इस पर हमें एहतियात भी तो करनी है ना। अगर आप इधर पार्क को देखें आप किसी भी जगह को देखें, ये देखें आप क्या करते हैं, हम लोग हम किसी चीज़ का ख्याल रखते हैं? हम आवाम भी कुछ ख्याल नहीं रखते तो दूसरों को हम क्या बोलेंगे? जब हम अपने देश को खुद ही साफ नहीं कर रहे, जब हमारा देश साफ नहीं होगा तो हम क्या कर सकते? ये बताएं था जब हम बचपन में ये हम यहाँ आते थे, इतनी सफाइयाँ होती थी और बहुत मज़ा आता था, हम बच्चों को ले आते खुश। आज के दौर में हम खुश नहीं। ये बताएं ये जो वैक्सीनेशन लग रही है आपने लगवाई है? नहीं। क्यों? क्या करूँ लगवा कर, मेरी ज़िंदगी और इतनी एज थोड़ी है जो लगवाऊँ। अच्छा तो ये आपकी नज़र में ये कि वैक्सीनेशन ठीक नहीं है? नहीं।
ना कोई फायदा है इससे, ना कोई फायदा है इससे। तो हुकूमत ऐसी क्या पागल बना रही है आवाम? हुकूमत को हम नहीं कह सकते इसके लिए, ये तो इनके कारोबार है, ये कारोबार है तो जाहिर है ये तो कारोबार करेंगे बेटा। अभी तो ये भी आ गया है ऑर्डर के जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे उनकी सिम बंद कर दी जाएगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर आपकी सिम बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो बेटा अभी इन्होंने कहा है, अभी करें जब की बात हो सकता है कर भी दें, कोई मसला नहीं। आप दूसरी सिम खरीद लें? दूसरी नहीं, सिम क्या, जो नए काम निकलेंगे वो देखा जाएगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो सच है कि आवाम को अपनी सांसों से ज्यादा रोजगार की फिक्र है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, अगर सांसें बहाल रही तो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।